मैं ब्लैक भाई जय जिनेंद्र। अरे नायक जी आपने शुरू करी सके छे। हाँ शुरू करिए ना। जी जी रिकॉर्डिंग शुरू है। ओम जय 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 नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावायु भावाय सर्वभावांतरोच्छिले। नहीं जब आपने अवसर आधे कलाक से लगभग। हाँ श्योर। हाँ जी ओके थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, आजे थोड़ू मने लेट थई गयु छे, सो इट वॉज वर्किंग डे फॉर मी। हवे आपणे ગયા વખતથી જે ચર્ચા પ્રારંભ કરી છે તે 13મી ગાથાની ભૂમિકા શું છે, 13મી ગાથામાં જે શુદ્ધ નયની વાત કરવામાં આવી છે, ભૂતાર્થ નયની વાત કરવામાં આવી છે અને ભૂતાર્થ નય દ્વારા સાત તત્વોને જાણવું તેનું નામ સમ્યક દર્શન છે, તેનું નામ આત્માનુભૂતિ છે। તો શબ્દો તો આપણે પહેલા પણ આ ઘણી વખત વાંચી ગયા છીએ, પરંતુ એ શબ્દોનો ભાવ શું છે ખરેખર એનો આપણે વિચાર કરવાનો છે। તો ભૂમિકા તો આપણે ઘણી ચર્ચા કરી લીધી છે, હવે આપણે ગાથા ઉપર વિષય પ્રારંભ કરીએ છીએ। તો મને કો હોસ્ટ બનાવ્યો હોય તો સારું છે, અધરવાઇઝ ઇફ યુ કેન શેર સ્ક્રીન ઓફ ગાથા 13 ફ્રોમ સમયસર, મારી પાસે રેડીલી અવેલેબલ છે। હા જી તમને કોર્સ બનાવે એક મિનિટમાં। હા આપ કો હોસ્ટ હો ગયે બંધ ઓકે, સો આઈ સપોઝ યુ કેન સી ધ પેજ। યસ હા, હવે જુઓ અહીંયા 13મી ગાથા છે અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વિષય અહીંયા આચાર્ય દેવે મૂક્યો છે, અને એ વિષય શું છે આપણે ગાથા વાંચીએ છીએ અને એની પહેલા જે પંક્તિ છે એ પણ વાંચીએ છીએ। શું લખ્યું છે આપ સૌ વાંચશો? એ પ્રમાણે જ શુદ્ધ નયથી જાણવું તે સમ્યક્ત્વ છે એમ સૂત્રકાર ગાથામાં કહે છે। શું કહ્યું? શુદ્ધ નયથી જાણવું તેનું નામ સમ્યક્ત્વ છે એમ ગાથાકાર કહે છે, બરાબર છે। હવે શુદ્ધ નહીંથી જાણવું કોને જાણવું એ વાત આપણે અહીંયા સમજવાની છે। તો એ ભૂમિકા પછી આચાર્ય દેવે ગાથા મૂકી, જો શું છે ગાથા આપણે સૌ ભેગા વાંચશું એકવાર। ગાથા બોલશો બધા? ભૂતાર્થ થી જાણેલ જીવ ભૂતાર્થ થી જાણેલ જીવ અજીવ વળી પુણ્ય પાપ ને આશ્રવ સંવર નિર્જરા બંધ અને મોક્ષ તે સમ્યક્ત્વ છે। એટલે કે ભૂતાર્થ નહીંથી જાણેલા સાત તત્વ છે તેનું જ નામ સમ્યક્ત્વ છે। પેલા ગાથાર્થ વાંચું છું પછી આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું। ભૂતાર્થ નહીંથી જાણેલ જીવ અજીવ વળી પુણ્ય પાપ તથા આશ્રવ સંવર નિર્જરા બંધ અને મોક્ષ એ નવ તત્વ સમ્યક્ત્વ છે। ટીકા: આ જીવાદી નવ તત્વો ભૂતાર્થ નહીંથી જાણીએ સમ્યક દર્શન જ છે। અહીંયા જ શબ્દ મૂક્યો છે, સમ્યક દર્શન જ છે એ નિયમ કયો? કેમ નિયમ કયો? તો કહે છે કારણ કે તીર્થની એટલે કે વ્યવહાર ધર્મની પ્રવૃત્તિ અર્થે અભૂતાર્થ એટલે કે વ્યવહાર નહીંથી કહેવામાં આવે છે એવા આ નવ તત્વો જેમના લક્ષણ જીવ અજીવ
पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंद अने मोक्ष छे तेमनामा एक पणु प्रगट करनार भूतार्थ नहीं थी एक पणु प्राप्त करी शुद्ध नए पणे स्थपायेला आत्मानी अनुभूति के जेनु लक्षण आत्मख्याति छे तेनी प्राप्ति होय छे। अहीं आ एक पेलू वाक्य अहीं पूरु थाय छे एटला माटे आपणे आखू वाक्य वांच्युं। हवे जुओ शुं कहे छे आ गाथानी अंदर सात तत्व जे कहेवामां आव्या छे ए सात तत्व छे एमने भूतार्थ नहीं थी अने भूतार्थ नी वात आपणे पहेला करी भूतार्थ नहीं एटले के शुद्ध नहीं भूतार्थ नहीं एटले के निश्चय नहीं भूतार्थ नहीं एटले के वस्तु नो स्वभाव जेवो छे ए वस्तु ने ए रूपे ज बतावनार जे नहीं छे तेनु नाम भूतार्थ नहीं छे। भूतार्थ शब्द नो बीजो अर्थ थाय छे प्रयोजन भूत। शू थाय छे प्रयोजन भूत केवी रीते भूतार्थ नी अंदर संधि छे बे शब्दो अहींया जोड़ायेला छे एक शब्द छे भूत अने एक शब्द छे अर्थ अने अर्थ नो मीनिंग थाय छे प्रयोजन। तो ए प्रयोजन शब्द ने आगळ मूकीए तो शू अर्थ बनी जाय प्रयोजन भूत के भूतार्थ ने आचार्य देवे कोने कही छे के जे नहीं थी मारा प्रयोजन नी सिद्धि थाय तेनु नाम छे भूतार्थ नहीं छे ने। भूतार्थ नहीं नो अर्थ शू छे खरेखर ए शब्द नी अंदर ज एनो मर्म छुपायेलो छे। भूतार्थ एटले के प्रयोजन भूत नहीं थी जानवा एनु नाम सम्यक दर्शन छे। कोने जानवा तो कया के जे सात तत्व छे ने ए प्रयोजन भूत जे सात तत्व कया छे एमने जानवाथी एमनु श्रद्धान करवाथी सम्यक दर्शन थाय छे। परंतु जानवाना कई रीते तो कहे छे के भूतार्थ नहीं थी जाने तो ज एनु नाम सम्यक दर्शन छे। अहींया ज शब्द मुक्यो छे के भूतार्थ नहीं थी जानसे तो सम्यक दर्शन ज छे एटले सम्यक दर्शन थशे ज। जे जीव साते तत्वों ने भूतार्थ नहीं थी जाने छे एने सम्यक दर्शन प्रगट थयुज छे एने सम्यक दर्शन प्रगट थायज छे। हवे ज शब्द मुक्ता ब्रेकेट मा क्लियर कर्यु के ए नियम कह्यो। कोई एम कहे के हूँ सात तत्व ने जाणू भूतार्थ नहीं थी जाणू अने छता पण मने सम्यक दर्शन न थयु तो जेवी रीते हूँ अत्यारे घणा वर्षो थी स्वाध्याय करी रह्यो छू मेहनत करी रह्यो छू सम्यक दर्शन नी प्राप्ति माटे ईमानदारी थी प्रयत्न करी रह्यो छू छता मने हजी सुधी सम्यक दर्शन थयु नथी घणा वर्षो ना स्वाध्याय पछी पण। हवे आचार्य देव आप कहो छो के सात तत्व नो तू भूतार्थ नहीं थी श्रद्धान कर तो तने सम्यक दर्शन प्रगट थशे तो ए पाकी वात छे ने के हूँ ट्राई करू पुरुषार्थ करू अने सम्यक दर्शन तो थासे ने के भाई नियम छे नियम भूतार्थ नहीं थी सात तत्व ने जाणीए नियम थी सम्यक दर्शन प्रगट थाय छे अने एनु कारण आप्युं। कारण बहु सरस छे कारण के तीर्थनी तीर्थ एटले शू व्यवहार धर्मनी प्रवृत्ति अर्थे अभूतार्थ एटले के व्यवहार नैति कहेवामां आवे छे एवा आ नव तत्वो। आ महत्वपूर्ण विषय छे रजनीभाई तीर्थनी प्रवृत्ति अर्थे तीर्थनी प्रवृत्ति अने ब्रेकेटमां कह्युं व्यवहार धर्मनी प्रवृत्ति अर्थे तो आ शू छे तीर्थनी प्रवृत्ति एटले शू तो संस्कृतमां जे शब्द छे तीर्थ तेनुं अर्थ शू थाय छे के ज्यांथी जीव तरे छे एटले के ज्यांथी जीव ने मुक्त थवानो रस्तो मळे छे तेने तीर्थ कहेवाय छे। आपणे एनो एकदम साधारण अर्थ करीने जोईए विथ एक्जाम्पल तो आपणा सम्मेत शिखर छे ए तीर्थ छे गिरनार जी छे ए तीर्थ छे तो ए आपणे तीर्थ शब्द नो प्रयोग क्यारे करीए छीए
કે જ્યાં જઈને સિદ્ધ પરમાત્માઓના સ્વરૂપને જોવાનો આપણને અવકાશ મળે છે, જ્યાં જઈને આપણને ચાન્સ મળે છે કે પંચ પરમેશ્ઠીએ પોતાના આત્માની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે કરી એ જાણવાનું, અને જ્યાં જઈને આપણને મુક્ત થવાની પ્રેરણા મળે છે તેને કહેવાય છે તીર્થ, છે ને. હવે અનાદિકાળથી જે જીવ સંસારમાં દુખી થઈ રહ્યો છે તેને આ સંસારમાંથી મુક્ત થવાનો માર્ગ કઈ રીતે મળે, તો એવા અનાદિકાળના અજ્ઞાની જીવને જેમ પૂર્વમાં આઠમી ગાથામાં કહ્યું છે મ્લેચ્છના ઉદાહરણથી, કે એ અજ્ઞાની જીવ જે ઘોર સંસારની અંદર ચાર કષાય અને પાંચ પાપોથી યુક્ત થઈને દુખી થઈ રહ્યો છે, જેને આત્મા શું છે એની ખબર નથી, એવા જીવને આપણે મોક્ષ સુધી પહોંચાડવાનો છે તો એને પહોંચવાનો માર્ગ શું, મુક્ત થવાનો માર્ગ શું, એ આ સંસાર સાગરમાંથી તરસે કઈ રીતે, તો કે છે કે એક તીર્થની પ્રવૃત્તિ માટે. હવે આ તીર્થની પ્રવૃત્તિ શું છે કે વ્યવહાર ધર્મ. હવે જ્યારે અહીંયા વ્યવહાર ધર્મ નામ આવે છે ને, તો વ્યવહાર ધર્મ શબ્દ આવતા સામાન્યપણે આપણે એવો અર્થ કરી લઈએ છીએ કે આત્માની વાત કરવી, એના સ્વરૂપની ચર્ચા કરવી, એનું નામ તો નિશ્ચય ધર્મ છે. અને બહારમાં જે સંયમના પરિણામ, પૂજાના પરિણામ, ભક્તિના પરિણામ છે તેનું નામ વ્યવહાર ધર્મ છે. એનું નામ તો વ્યવહાર ધર્મ છે જ, પરંતુ તે તો અત્યંત સ્થૂળ કથન છે. ખરેખર તો જીવને પોતાના અને પરદ્રવ્યની વચ્ચે ભેદ વિજ્ઞાન કરી, પોતાના વિકારી ભાવોનો અભાવ કરી, ક્રમશઃ નિર્વિકારી દશા આંશિક રૂપે પ્રગટ કરી, અને પછી પુરુષાર્થ પૂર્વક પૂર્ણ મુક્ત દશા જીવ પ્રગટ કરે, એના માટે એને ખરેખર જે પ્રયોજનભૂત તત્વ માત્ર એક પોતાનો આત્મા છે, એ આત્માની અંદર વ્યવહારથી અભૂતાર્થ નહીંથી ભેદ કરીને કહેવામાં આવે છે એવા આ નવ તત્વો છે. ફરીથી કહું છું, વધારે ઈઝી આપણે કરવાની એને ટ્રાય કરીએ કે નવ તત્વ જે છે, અહીંયા બહુ એક શબ્દ વાપર્યા છે, એક એક શબ્દ આપણે ધ્યાન દેશું ને તો ખ્યાલ આવશે. શું કહ્યું છે? વ્યવહાર ધર્મની પ્રવૃત્તિ અર્થે, વ્યવહાર ધર્મની પ્રવૃત્તિ માટે અભૂતાર્થ એટલે કે વ્યવહાર નહીંથી કહેવામાં આવે છે એવા આ નવ તત્વો. બરાબર, વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે એવા નવ તત્વો. પેલો તો મારો આપ સૌને પ્રશ્ન છે કે આપણે નાનપણથી આપણે શીખી રહ્યા છીએ કે સાત તત્વ હોય છે, જીવ, અજીવ, આશ્રવ, બંધ, સંવર, નિજરા અને મોક્ષ. અને એમાં આશ્રવ અને બંધ તત્વના પેટા ભેદ તરીકે પુણ્ય અને પાપ જોડતા આ નવ પદાર્થ થઈ ગયા. બરાબર, અથવા નવ તત્વ કહો, સાત તત્વ કહો, નવ તત્વ કહો, અથવા પુણ્ય અને પાપને જોડતા નવ પદાર્થ કહો, એક જ વાત છે. બરાબર, હવે આ જે નવ પદાર્થ છે એ નિશ્ચયથી છે કે વ્યવહારથી, એ આપણે કોઈ દિવસ વિચાર ના કર્યો હોય. સાત પ્રયોજનભૂત તત્વ તો આપણે શીખી ગયા, પરંતુ એ સાત જે તત્વ છે તે નિશ્ચયથી છે કે વ્યવહારથી? તો આચાર્યજીએ કહ્યું કે વ્યવહાર નહીંથી કહેવામાં આવે છે એવા નવ તત્વ સામે લખેલું છે ને આપણે, વ્યવહાર નહીંથી કહેવામાં આવે છે એવા નવ તત્વો. તો કહ્યું કે વ્યવહાર નહીંથી કયા, અને વ્યવહાર નહીંથી શું કામ કહેવાની જરૂર હતી? તો કે છે કે વ્યવહાર ધર્મની પ્રવૃત્તિ અર્થે, તીર્થની પ્રવૃત્તિ અર્થે. તો કે છે કે જે જીવ જેને વર્તમાનમાં વિકારી દશા પ્રગટ થઈ રહી છે અને જેને પોતાના સ્વભાવનો પરિચય નથી, એ જીવને શુદ્ધ દશા સુધી પહોંચાડવા માટે વ્યવહાર ધર્મની પ્રવૃત્તિ માટે વ્યવહાર નહીંથી અજ્ઞાની જીવને ભેદ કરીને
भेद करीने ध्यान आपजो, भेद करीने जीव आदि नव तत्व कहेवामां आवे छे। एटले खरेखर अर्थ शुं थयो रजनी भाई के खरेखर तो तत्व प्रयोजन भूत ते हूँ एक ज छू, त्रिकाड़ी ध्रुव वस्तु एक ज छू, परंतु ये एक वस्तु अभेद वस्तु परिपूर्ण वस्तु ज्ञान ने सुखमय वस्तु अनादिकालना अज्ञानी जीव ने ख्याल केवी रीते आवे, जे चर्चा सातमी गाथा में आचार्य देवे उपाड़ी छे के आत्मा मा ज्ञान नथी, आत्मा मा दर्शन नथी, आत्मा मा चारित्र नथी, आत्मा तो जेवो छे तेवो छे, तो आत्मा मा ज्ञान नथी, दर्शन नथी, चारित्र नथी, तो पछी आ भेदो कया शु काम, अने छे तो तमे निषेध शु काम करो छो। बे तरफ प्रश्न थावो जोई ने के आत्मा मा ज्ञान दर्शन चारित्र खरेखर छे के नहीं, ये साहेब छे तो खरा, गुणों तो एनी अंदर छे, तो जे गुण छे एनु कथन करिए तो पछी तमे निषेध शु काम करो छो के आत्मा मा ज्ञान दर्शन चारित्र नथी। तो त्यां समझाव्यू के भाई खरेखर आत्मा मा ज्ञान दर्शन चारित्र नथी, समझो ज्ञान दर्शन चारित्र नथी एटले शू के आत्मा तो ज्ञान दर्शन चारित्र जेवा अनंत गुणों नो एक अखंड पिंड छे, ए आत्मानी अंदर ज्ञान आ रयु, दर्शन आ रयु, चारित्र आ रयु एवा भेद नथी, ए अनंत गुणों नो भेद आत्मानी अंदर जो होय तो ए आत्माना अनंत टुकड़ा थई जाय, परंतु आत्मा केवो छे ये अनंत गुणमय एक गुणी छे, ये अनंत गुणमय एक अखंड वस्तु छे, तेथी एने एम कहेवू के आ ज्ञान रूप छे, आ दर्शन रूप छे, आ चारित्र रूप छे, ये खरेखर व्यवहार नहीं थी, भेद करीने एना स्वरूप ने समझावा माटे कहेवामां आवे छे। परंतु खरेखर शू छे तो के जे खरेखर वात हवे आगळ कही छे शू छे, तेमनामां એટલે કે એ નવ તત્વોની અંદર એક પણ પ્રગટ કરનાર, ભૂતાર્થ નહીંથી એક પણ પ્રાપ્ત કરી, એ જે નવ તત્વો ભેદ પૂર્વક બતાવ્યા ને એ નવ તત્વોમાં એક પણ પ્રગટ કરનાર કોણ છે, તો કહે છે કે ભૂતાર્થ ને, અભૂતાર્થ ને શું કરે છે, ભેદ કરીને નવ તત્વ દેખાડે છે, અને ભૂતાર્થ ને શું કરે છે કે એ નવ તત્વોમાં એક પણ પ્રગટ કરે છે। અહીંયા પણ સમજવા જેવું છે કે નવ તત્વોમાં ભૂતાર્થ ને એક પણ પ્રગટ કરે છે એમ લખ્યું છે, તો એક પણ એટલે શું કે ભૂતાર્થ ને એમ કહે છે કે જીવ અજીવ આશ્રવ બંધ સંવર નિર્જરા મોક્ષ એ બધા મળીને એક છે, અભૂતાર્થ ને એમ કહે છે કે જીવ અજીવ આશ્રવ બંધ સંવર નિર્જરા મોક્ષ જુદા જુદા છે, અને ભૂતાર્થ ને કહે છે કે બધા જુદા જુદા નથી એક જ છે, એનું નામ એકત્વ પણ છે કે ના, એને અહીંયા એકત્વ પણ કહ્યું નથી, એવું એકત્વ પણ હોતું પણ નથી, નવ તત્વની અંદર એક પણ પ્રગટ કરનાર એટલે શું, એક પણ પ્રગટ કરનાર એટલે શું, તો કહે છે કે એ નવ તત્વોમાં તને તારા પ્રયોજનની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય છે, તારા માટે પ્રયોજન ભૂત શું છે, કે તારા માટે પ્રયોજન ભૂત વસ્તુ તો એક જ છે, અને એક વસ્તુ શું છે કે એક વસ્તુ તે તારો ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા તે જ છે, બીજું કઈ નથી, ભૂતાર્થ નહીંથી જો તું પોતાના સ્વરૂપને જેવો છે તેવો જાણી લે છે તો અન્ય તત્વોનું જાણવું તેની અંદર સહેજ સામેલ થઈ ગયું। રજનીભાઈ એક અન્ય મતની અંદર, હિન્દુ મતની અંદર એક કથા આવે છે, આપણે કથા સ્વીકાર કરતા નથી, પણ એમની કથા ઉદાહરણ માટે ખાલી તમને કહું છું કે શંકર ભગવાન છે, તો શંકર ભગવાનના બે પુત્ર છે બરાબર, બધાને ખ્યાલ હશે, એક તો ગણેશજી છે અને એક બીજા એમના પુત્ર છે, એમનું નામ કદાચિત મને સ્મરણમાં નથી આવતું, તો બે પુત્રોની વાર્તા છે, તો એ બે પુત્રો કાર્તિકે, તો એક ગણેશ અને એક કાર્તિકે,
હવે કાર્તિકેયનું જે વાહન છે તે શું છે? મોર, પીકોક. અને ગણેશજીનું વાહન બધાને ખબર છે શું છે? રેડ, ઉંદર છે. બરાબર. હવે બે ભાઈઓ વચ્ચે શરત લાગી કે આ આખી જે દુનિયા છે એનો ચક્કર કોણ પહેલા લગાવી શકે? આપણે બે રેસ કરીએ તો રેસમાં ફર્સ્ટ કોણ આવે? તો કે ચાલો ગમત માટે કે ટ્રાય કરીએ આપણે. તો કાર્તિકેય પાસે તો મોર છે, પીકોક છે, એ તો ઉડી જાય છે, ઉડીને એમને ફેરવીને લઈ આવે છે. હવે ગણેશને ચિંતા થઈ કે હું શું કરું, મારું વાહન તો ઉંદર છે. તો એમને એક ચતુરાઈ કરી. શું ચતુરાઈ કરી? કે રેસ સ્ટાર્ટ થઈ અને કાર્તિકે પોતાનો મોર લઈને ઉડી ગયા દુનિયાનો ચક્કર મારવા માટે. અને ગણેશજી છે ને પોતાના માતા પિતાના ત્રણ ચક્કર લગાવીને પ્રદક્ષિણા કરીને રોકાઈ ગયા. અને કાર્તિકે જયારે બહુ ફાસ્ટ આખા દુનિયાનો ચક્કર લગાવીને પાછા આવ્યા તો કહ્યું કે ભાઈ હું જીતી ગયો. તો કે ના ભાઈ, હું તો તારા પેલા આવી ગયો. તો કાર્તિકે કે પણ તમે તો જગતનો ચક્કર મારવા તો ગયા જ નહીં, દુનિયા ફરવા તો ગયા જ નહીં. તો ગણેશે કહ્યું કે જો મારા માટે તો આખું વિશ્વ આ મારા માતા પિતા છે તે જ છે. એટલે મેં મારા માતા પિતાની પ્રદક્ષિણા કરી તો મેં તો સમજો કે આખા જગતની પ્રદક્ષિણા કરી લીધી. જગતમાં જોવા જેવું કઈ છે નહીં, કોઈ એક વસ્તુ જો પૂજ્ય છે તો એ મારા માતા પિતા છે. સમજી ગયા? એવી વાર્તા એમને ત્યાં આવે છે. આપણે તો ખાલી ઉદાહરણ માટે અહીંયા વાત કરીએ છીએ કે નવ તત્વનો જે વિસ્તાર છે એ નવ તત્વના વિસ્તારને ખરેખર સાચા અર્થોમાં જાણવું એટલે શું? તો કે છે કે આ નવ તત્વની અંદર મારા માટે પ્રયોજનભૂત શું છે, મારા માટે પૂજનીય શું છે, મને લાભ શેનાથી થશે, મને સુખ અને આનંદની પ્રાપ્તિ શેનાથી થશે? કે ભાઈ મને તો ભૂતાર્થ નહીંથી એકમાત્ર પ્રયોજનભૂત વસ્તુ હું સ્વયં છું, મારો ભગવાન આત્મા, તે જ મારા માટે પૂજનીય છે, તે જ મારા માટે વંદનીય છે, તે જ મારા માટે ભાવના ભાવવા યોગ્ય છે, તે જ મારા માટે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે અને તે જ હું છું. એવા અભિપ્રાયથી જે જીવ પોતાના આત્મ સ્વરૂપની દ્રષ્ટિ કરે છે તો એ જીવે ભૂતાર્થ નહીંથી સાત તત્વો અથવા નવ તત્વોનો જે ભેદ છે એ ભેદને સમાપ્ત કરી એ ભેદો વચ્ચે એક પણ પ્રાપ્ત કર્યું છે. હવે જો આગળ શું કહે છે, તેમનામાં એટલે કે સાત તત્વમાં એક પણ પ્રગટ કરનાર ભૂતાર્થ નહીં એનાથી એક પણ પ્રાપ્ત કરી, ભૂતાર્થ નહીં દ્વારા એક પણ પ્રાપ્ત કરીને શુદ્ધ નયપણે સ્થપાયેલા આત્માની અનુભૂતિ. કેવી છે આત્માની અનુભૂતિ? કે શુદ્ધ નયે જે સ્થાપિત કરી છે, શુદ્ધ નય દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવેલા આત્માની જે અનુભૂતિ છે. અને એ અનુભૂતિ પણ કેવી છે? જો અહીંયા ગ્રંથની ટીકાનું નામ આવ્યું કે જેનું લક્ષણ આત્મખ્યાતિ છે. શું થયું? આત્માની અનુભૂતિ કેવી છે? તો કે છે કે એનું લક્ષણ આત્મખ્યાતિ છે. આત્મખ્યાતિ છે એટલે જ્યારે જીવને પોતાના આત્મ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ થઈ, અનુભૂતિ થઈ, તો એ અનુભૂતિમાં શું પ્રગટ થયું, કોની ખ્યાતિ થઈ, કોણ પ્રકાશિત થયું? તો કે જે પોતાનો આત્મા પ્રકાશિત થઈ. તો એવી સરસ અહીંયા જે ભાવના છે કે શુદ્ધ નય દ્વારા સ્થપાયેલા આત્માની અનુભૂતિ કે જેનું ના જેનું લક્ષણ આત્મખ્યાતિ છે તેની પ્રાપ્તિ હોય છે. એટલે આ શું કહ્યું ખબર છે કે ભૂતાર્થ નહીંથી જ્યારે જીવ પોતાના સ્વભાવની દ્રષ્ટિ કરે છે, સાત તત્વોનો જે વિસ્તાર છે અને જે ભેદ છે એ ભેદ પરથી દ્રષ્ટિ હટાવીને પોતાના આત્મ સ્વરૂપનો જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાન કરે છે, તો આત્મા જેવો છે એવો એની પરિણતિમાં પ્રગટ થઈ જાય છે અને એનું જ નામ આત્મખ્યાતિ છે, એનું જ નામ આત્માની અનુભૂતિ છે, એનું જ નામ સમ્યક દર્શન છે. પણ એ ક્યારે થશે?
तो कहते शुद्ध ने द्वारा स्थपायेला आत्मा नी अनुभूति। आत्मा केवो? शुद्ध नय थी जेवो आत्मा देखाय छे तेवो। शुद्ध नय जेने विषय बनावे छे एवा आत्मा नी अनुभूति। आत्माना घणा प्रकार छे, घणा प्रकार छे एटले आत्माना प्रकार नथी, एने जोवानी दृष्टिना घणा प्रकार छे। ज्यारे प्रमाण थी स्थापित करवामां आवे छे आत्माने, त्यारे ते आत्मा द्रव्य गुण अने पर्याय थी सहित एक अखंड पिंड छे, एक सत छे, जेनी अंदर अनंत गुणों छे, जेनी अंदर अनंत गुणों नु प्रत्येक समय थई रहेलू परणमन छे। ए परणमन विकारी अने अविकारी बे प्रकारनु छे, तो ज आश्रव बंध संवर निजरा अने मोक्षनी उत्पत्ति थाय ने। विकारी पर्याय एटले आश्रव अने बंध, आंशिक शुद्ध पर्याय एटले संवर निजरा अने पूर्ण शुद्ध पर्याय एटले मोक्ष। तो आजे पर्यायो छे, ए पर्यायो सहित ज्यारे आत्माने दृष्टि करवामां आवे छे, तो ए प्रमाणनी दृष्टि छे, एनी अंदर आखो संपूर्ण आत्मा ग्रहण करवामां आवे छे, जे जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश अने काल ए छ द्रव्यो वच्चे मारो आत्मा छे। तो केवो छे? तो के छे के जेनी अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र छे, जेनी अंदर प्रत्येक समय एने अनंत गुणोनु परणमन थई रह्यु छे, जे जाणी रह्यो छे, जे क्रोध करी रह्यो छे, जे सम्यक दर्शन प्राप्त करी सके छे, एवो आत्मा। ए केवो आत्मा छे? के आत्मा ज्ञाननी अंदर द्रव्य गुण पर्याय सहित जे अखंड वस्तु जाणवामां आवे छे, ते प्रमाणनी दृष्टिथी स्थापित करेलो आत्मा छे। हवे प्रमाणथी पोताना स्वरूपनी स्थापना थया पछी एमा खरेखर पोताना प्रयोजननी सिद्धि माटे कोनो प्रयोग करवामां आवे छे? के शुद्ध नयनो प्रयोग करवामां आवे छे। प्रमाण नय प्रमाण दृष्टिथी निश्चित करेला आत्मस्वरूप मा शुद्ध नयनी दृष्टि थी स्थापित आत्मा सुधी जारे आपणे पहोंचीए छीए, त्यारे जीवने आत्मानुभूति के जेनु लक्षण आत्मख्याति छे तेनी प्राप्ति थाय छे। अहींया जे जरूरी शर्त छे, ए जरूरी शर्त आपणे ध्यान राखवानी छे के शुद्ध नयपणे स्थपायेला आत्मानी अनुभूति। जो प्रश्न पूछने का कब टाइम आएगा? जी आप पूछिए, अभी पूछ लीजिए, कोई बात। अच्छा अच्छा, मेरा प्रश्न सिंपल है। ये शुद्ध नए शब्द का जो प्रयोग करते हैं अमृतचंद्र स्वामी भी, तो जी, जैसे दसवें कलश में है शुद्ध नयो अभ्युदेती, मतलब उदय हो रहा है, तो मतलब पर्याय है। कभी ऐसा लगता है जैसे ये द्रव्य की तरफ इंगित करता है, तो इसका थोड़ा खुलासा चाहिए कि शुद्ध नए क्या ज्ञान गुण की पर्याय है या द्रव्य है? जी बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। देखिए शुद्ध के साथ में जो शब्द लगा हुआ है ना, नए नए शब्द लगा हुआ है ना, तो नए शब्द ही अपने आप में ये बता देता है कि ये द्रव्य की बात नहीं है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है ना। नए हमेशा ज्ञान गुण की पर्याय है, लेकिन लेकिन एक अपेक्षा ये भी है, कारण में कार्य का उपचार करके शुद्ध नए जैसे मानो आत्मा ही है, ऐसा कथन जिनवाणी में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध नए जो है वो शुद्ध नए क्या करता है कि शुद्ध नए का एक ही काम है, जीव को अपने परम पारिणामिक स्वरूप को सिद्ध करना, बताना। शुद्ध नए क्या करता है? जैसा जीव का स्वरूप है वैसा ही बताता है। तो जो शुद्ध नय तक पहुंच गया वो मानो अपने आत्मा तक ही पहुंच गया, इसीलिए शुद्ध नय को भी ऐसा शब्दों का प्रयोग होता है कि हमें ऐसा लगता है कि शुद्ध नय अर्थात द्रव्य। तो शुद्ध नय को आप द्रव्य कहें तो एक अपेक्षा से कोई गलत नहीं है, लेकिन वास्तव में जो नय है वो ज्ञान की पर्याय है। और उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अपना विषय बनाना। तो जिसने शुद्ध नय को जान लिया उसने अपने आत्मा को जान लिया, तो इसीलिए ऐसे शब्द कहते हैं शुद्ध नयोभ्युदेति, शुद्ध नय का उदय होता है।
तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे द्रव्य का उदय हो रहा हो ऐसी बात है, तो एक अपेक्षा से कहा जा सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में नए जो है वो अपने शुद्ध ने शुद्ध स्वरूप की ओर ले जाने वाला। नए शब्द का अर्थ ही क्या होता है संस्कृत में, नयति इति नयः, कि जो जीव को किसी भी वस्तु को ले जाता है, उस ओर दिशा दिखाता है, रास्ता बताता है, उसको कहते हैं नए। तो शुद्ध नए है, वो शुद्ध वस्तु का रास्ता दिखाता है हमें, इसीलिए हम उसको शुद्ध नय कहते हैं। तो शुद्ध नय के द्वारा स्थापित आत्मा की अनुभूति है ना। मूल बात जो पूरी गाथा में जो है वो ये ही पंक्तियां हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आपने प्रश्न पूछा था, बाकी लोगों को तकलीफ तो नहीं है, अदरवाइज हम गुजराती में वापस शुरू कर सकते हैं। नहीं पंडित जी, यहाँ बहुत हिंदी वाले आते हैं, सब लोग सुनते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। मुझे उससे रिलेटेड एक उससे रिलेटेड शब्द यहाँ पे आया ना, ये सेंटेंस, शुद्ध नय थी नव तत्व ने जानवा थी आत्मानी अनुभूति थाय छे। तो इसका मतलब हुआ कि यह अनुभूति के पहले जो निर्णय का टाइम आता है उस समय हम कर रहे हैं वो शुद्ध नय है, या अनुभूति के काल वाला शुद्ध नय, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, जो शुद्ध नय के द्वारा स्थापित आत्मा की अनुभूति है, नौ तत्वों को शुद्ध नय से जानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। वाक्य तो ऐसा है, पहले से हम पढ़ रहे हैं, जीवादि नव तत्वो भूतार्थ नहीं थी जानिए सम्यक दर्शन छे, यहाँ पे लिखा हुआ है जीवादि नव तत्वों को भूतार्थ नय से जानना ही सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि ज्ञान जब निर्णय की अवस्था में है उस समय की बात कर रहे हैं शुद्ध नय में, या फिर अपने आत्मानुभूति के समय की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, आगम के अंदर और अध्यात्म के अंदर इन एक ही शब्द का अलग अलग तरह से अर्थ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुद्ध नय, तो नय शब्द जुड़ते ही नय हमेशा ज्ञान की पर्याय की तरफ इशारा करता है। नय अर्थात क्या, जैसे निश्चय नय, व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, भूतार्थ नय, अभूतार्थ नय, तो ये सब नय है। ये नय अर्थात जो वस्तु के स्वरूप का निर्णय करता है उसको नय कहते हैं, है ना। अब जिस शुद्ध नय से हमने अपने आत्मा को समस्त विकारी और अविकारी पर्यायों से भिन्न देखा, मैंने आपको वो याद होगा अर्जुन का उदाहरण दिया था कि मौजूद तो वृक्ष भी है, वृक्ष की डाल भी है, मैदान भी है, लेकिन सिर्फ दृष्टि का कमाल ऐसा होता है कि वो दृष्टि सिर्फ अपने इष्ट विषय को, अपने साध्य विषय को ही देखती है, बाकी सबको होते हुए भी गौण कर देती है। बस वही शुद्ध नय है कि शुद्ध नय अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए निर्णय की अवस्था से प्रारंभ करके और आत्मानुभूति तक, जब वो उस जीव का पुरुषार्थ जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, ये जो विकारी अथवा अविकारी पर्याय हैं, इन अविकारी और विकारी पर्यायों से दृष्टि हट करके एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूं और अन्य में कुछ भी नहीं हूं। अब कोई प्रश्न करेगा कि भाई तुम्हारे अंदर तो राग हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं राग से रहित हूं। तो अब आगे का जो विषय है, आगे की जो पंक्तियां हैं वो आएंगी, क्या कि भैया शुद्ध नय से तो मैं अपने स्वभाव में ही स्थित हूं, अपने स्वभाव में ही स्थापित हूं और मैं अपने आत्मस्वरूप को ही प्रकट कर रहा हूं, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा काम नहीं। तो अब कोई कहेगा कि लेकिन तुम्हारे अंदर तो राग होता है ना, राग दिखाई दे रहा है, तो ये राग दिखाई दे, राग जो है ये कौन है, ये तुम ही तो हो। तो कहते हैं कि नहीं, नीचे की पंक्ति आप देखिए, विस्तार हम अगली बार करेंगे। त्या विकारी थवा योग्य अने विकार करनार ये बनने पुण्य छे। क्या कहा, विकार को करने वाला और विकारी होने वाला आत्मा कौन है,
विकार को करने वाला है या फिर कर्म के उदय में स्वयं विकारी होने वाला है, आत्मा कौन है? तो कह रहे हैं कि भैया आत्मा ना तो विकार को करने वाला है और ना ही विकारी होने वाला है, तो फिर ये कौन है? कहते हैं पुण्य है, ये आश्रव है, ये बंध है, और मैं उस आश्रव और बंध से रहित एक शुद्ध भगवान आत्मा हूं। तो इस प्रकार से समय हो गया है, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जो कि अपने स्वरूप से एक है और अन्य द्रव्यों से और उनके निमित्त से प्रकट होने वाली विकारी और अविकारी पर्यायों से भिन्न है, ऐसे अपने आत्म स्वरूप का निर्णय शुद्ध नय के द्वारा होता है। उस शुद्ध नय से सात तत्व को जानना कहें या अपने स्वरूप को जानना कहें, वास्तव में तो एक ही बात है, क्योंकि जिसने सात तत्व को जाना और स्वरूप को नहीं जाना उसके लिए वो सात तत्व का जानना प्रयोजनभूत नहीं है, लेकिन जिसने उन सात तत्वों को जानकर उसमें भूतार्थ नहीं से अपने स्वरूप का निर्णय कर लिया तो उसका सात तत्वों को जानना सार्थक है। इसीलिए जिसने अपने स्वरूप का निर्णय किया उसे सम्यक दर्शन हुए बिना रह सकता नहीं है, ऐसी सुंदर भावना इसके अंदर है। आगे की और जो पंक्तियां हैं इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। हाँ जी बताइए। एक प्रश्न था और आपके उसमें आया भी था प्रवचन में कि शुद्ध ये जो त्रिकाली द्रव्य है अनंत शुद्ध गुणों शुद्ध गुण वाला और उसमें उनके गुणों की पर्याय भी हो ही रही है जी राइट, और तब विकार भी चल रहा है वो अलग बात है, और मैंने दृष्टि मतलब मेरे सर्वज्ञ गुण की या जो भी सर्वदर्शी गुण की सारे ही गुणों की पर्याय शुद्ध रूप से परिणमित हो ही रही है, और जिस तरह से राग भी हो रहा है तो हो क्या रहा है, मिस्टेक क्या हो रही है कि वो पर्याय होते हुए भी मैं नहीं देख रहा हूँ? जब हम कहते हैं कि अजी प्रकट नहीं थयू तो प्रकट तो एक्चुअली है पर मैं उसे देख नहीं रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा जी? देखिए बिल्कुल आपकी सही बात है कि आत्मा को प्रकट करना है, प्राप्त करना है, उसका अनुभव करना है, ऐसी तो वास्तव में पुरुषार्थ की अपेक्षा से भाषा बोली जाती है। आत्मा को वास्तव में प्रकट करना नहीं है, वो तो प्रकट ही है, उसको प्राप्त क्या करना है? मैं कहता हूं मुझे आत्मा को प्राप्त करना है, तो भाई साहब आप कौन हो स्वयं? मैं कोई अपने आत्मा से अलग हूं जिसे आत्मा को प्राप्त करना है? शेटिका की गाथाएं हैं आगे, उसमें यही बात है, मैं कोई अलग और मुझे आत्मा को प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने योग्य वस्तु अलग अलग तो नहीं है ना, ये तो मैं ही हूं। तो मैं मुझे अपने आप को प्राप्त करना है, इसका मतलब क्या हुआ? तो भैया ये तो सिर्फ पुरुषार्थ करने वाली पर्याय की अपेक्षा से ऐसा कथन किया जाता है कि मुझे आत्मा को प्राप्त करना है, पर वास्तव में तो मैं आत्मा ही हूं, तो फिर भूल क्या है? आपका प्रश्न है मिस्टेक क्या है, मिस्टेक यही है कि जो मैं हूं उसका स्वीकार नहीं है और जो मैं नहीं हूं उसका अनादिकाल से अभ्यास है कि ये मैं हूं, बस ये ही मिस्टेक है कि प्रत्येक समय प्रकट होने वाली विकारी पर्यायों को तो हम अपना मानते हैं और उन पर्यायों से भिन्न जो अपना त्रिकाल स्वरूप है, अप्रभावित स्वरूप है, उसमें अपनापन एकत्व बुद्धि आज तक अहम बुद्धि नहीं हुई, ये ही वास्तव में जीव की भूल है। नायक जी मेरे ख्याल से थोड़ा बहन का प्रश्न थोड़ा अलग था जी, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। एक्चुअली थोड़ी और डिटेल है राइट रजनी भाई, थोड़ा आप मुझे और उसका विस्तार का कुछ शायद ऐसा बोलना था कि अनंत गुण है तो गुणों की तो पर्याय होती रहती है हर समय, ठीक है, तो सबकी जो माने अपने 21 गुण को छोड़ के बाकी जो सब अनंत गुण है तो उनकी पर्याय जो अभी हो रही है वो अभी हो रही है कि होने के बावजूद हमको मालूम नहीं है, माने हमारे ज्ञान में नहीं आती है, अनुभव में नहीं आती है, ऐसा कुछ प्रश्न था उनका? नहीं नहीं अगली बार चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर समय हो गया है तो हम अगली बार बात करें। हाँ तो ग्राहक जी नेक्स्ट संडे तो अपने आज चालू रखो 13वीं गाथा, पहला संडे 19 तारीख है अपने स्वानुभव की विधि। ओके ओके श्योर धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सो आणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। અમારે છે ને હજી હજી એક થોડું બાકી છે, સંજય ગોદાજી નું નંદીશ્વર, હું ચાલુ કરું છું. ઓકે, તમે તમે સ્ક્રીન શેરિંગ બંધ કરજો. હા, બંધ કરો. થેન્ક યુ. लोग इन आठ दिनों में नंदीश्वर द्वीप जाते हैं आठ द्रव्यों को लेकर के, अद्भुत रत्नमय द्रव्य होते हैं देवों के पास में, जल, अद्भुत जल, अपूर्व चंदन, रत्नमय नैवेद्य दीप धूप आदिक, अद्भुत फल, ये सब लेकर के देवलोग नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। वास्तव में तो ये देवों द्वारा मनाया जाने वाला महान पर्व है। यह आठवां द्वीप कहाँ है, इस आठवें द्वीप की रचना कैसी है, इस आठवें द्वीप का स्वरूप कैसा है, हम जानते नहीं है और हम वहां जा सकते भी नहीं है। इसलिए ध्यानत राय जी ने पूजन की जयमाला में लिख दिया, हमें शक्ति सो नाही, हमारे में शक्ति नहीं है, हमें शक्ति सो नाही, यहां करी थापना, यहीं पर स्थापना करते हुए पूजे जिन ग्रह प्रतिमा, जिन ग्रह जिनेन्द्र देव के जिन मंदिरों को, अकृत्रिम चैत्यालयों को और प्रतिमाओं को किस लिए पूज रहे हैं, भगवान यदि मैं नहीं पूजूंगा तो कौन पूजेगा तुम्हें, कि बेटा सुन है हित आपना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना, अरे अपना हित है, इसलिए वीतरागी जिनेन्द्र देव की पूजन करने का भाव आता है। इसमें किसी और की भलाई नहीं है, इसमें मेरी ही भलाई भाषित होती है। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते रहेंगे, समय हमारे पास में थोड़ा सा सीमित है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आखिर यह नंदीश्वर द्वीप है कहाँ, आखिर यह नंदीश्वर द्वीप कौन सी जगह पर है, तो देखिए आप, आपने यह लोक की संरचना अनेक बार देखी होगी। हमारा जो ये लोक है, यह लोक चारों तरफ फैला हुआ है, फ्रंट नहीं बैक में भी साथ साथ राजू फैला हुआ है। मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। ये जो लोक की रचना आपको दिखाई दे रही है, कलर दृष्टि से देखो तो ऐसा दिखाई देता है कलरफुल। इस पूरे लोक में बिल्कुल सेंटर में एक है त्रस नाड़ी, जहां त्रस जीव रहते हैं। ये त्रस जीवों के रहने का स्थान है। लोग जब फ्रंट से देखते हैं तो यहां दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में वो त्रस नाड़ी इस जगह पर बीच में है, और इस त्रस नाड़ी में ही स्वर्ग है, इस त्रस नाड़ी में ही नरक है, इस त्रस नाड़ी में ही मध्य लोक के असंख्यात द्वीप और समुद्रों की रचना है। जितनी आपको चर्चाएं पंचमेरु की मिलेगी, नंदीश्वर की मिलेगी, जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, स्वर्ग, नरक, सब कुछ, ये पूरी की पूरी रचना यदि कहीं है तो रचना इस त्रस नाड़ी के अंदर अंदर ही है, इस त्रस नाड़ी के बाहर नहीं है। और इसमें ऊपर तो है स्वर्ग, नीचे है नरक, और बीच में सुमेरु पर्वत को आधार बनाकर, सुमेरु पर्वत को बेस बनाकर, ये मेरी लाइट दिखाई दे रही है क्या आपको, ये सुमेरु पर्वत के नीचे नरक और सुमेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर ऊर्ध्व लोक माने स्वर्गाधिक है। अभी किसी की भी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको त्रस नाड़ी के ऊपर से दिखाते हैं कुछ। त्रस नाड़ी के ऊपर से देखने पर कैसा दिखाई देता है यह लोक, देखिए मध्य लोक की रचना, मध्य लोक किस प्रकार का है दिखाई दे रही है आपको। मध्य लोक की यह रचना, मध्य लोक की इस रचना में ऊपर से देखने पर, त्रस नाड़ी में ऊपर से देखने पर मध्य लोक के असंख्यात द्वीप और समुद्र दिखाई देते हैं,
असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, पूरे के पूरे मध्य लोक में ऐसे गोल 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 फैले हुए हैं, पूरे गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। सुनिए, इस असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों में पहले नंबर का द्वीप है वो है जम्बू द्वीप, और उसके बाद जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए एक समुद्र है जिसका नाम है लवण समुद्र, फिर लवण समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए धातकी खंड नाम का द्वीप, धातकी खंड को चारों तरफ से घेरे हुए कालोदधी नाम का समुद्र, कालोदधी समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए पुष्कर द्वीप, फिर पुष्कर द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए पुष्करवर समुद्र, फिर पुष्करवर समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए वारुणीवर द्वीप, फिर वारुणीवर समुद्र, फिर आता है पांचवा क्षीरवर द्वीप, फिर आता है क्षीरवर समुद्र, फिर उसके बाद में आता है घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, और उसके बाद में आता है आठवें नंबर का द्वीप जिसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। ये आठवां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। अष्टानिका में जाते हैं देवलोग यहाँ इस नंदीश्वर द्वीप में। ये नंदीश्वर द्वीप की छोटी सी रचना आपके सामने दिखाई दे रही है, अभी थोड़ा गहराई से अपन इसे समझेंगे। अष्टानिका है ना इस पर्व का नाम, अष्ट अन्निका, आठ दिनों तक जो मनाया जावे पर्व, अष्ट माने होता है आठ, अन्निका शब्द का अर्थ दिवस, आठ दिवस तक जो मनाया जाए, आठ दिनों तक जो पर्व चले, उस पर्व का नाम है अष्टानिका नाम का पर्व। देव लोग इस अष्टानिका नामक पर्व में जाते हैं। इसके लंबाई चौड़ाई कितनी है इस द्वीप की, तो शास्त्रों में लिखा है 163,84,00,000 योजन। कितना बतलाया, 163 करोड़ और 84,00,000 योजन, इतना बड़ा है यह नंदीश्वर द्वीप एक कोने से दूसरे कोने तक एक दिशा में। Do two W2s make a W4? Are you kidding? Hi. आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहां देखिए बीच में सात द्वीप हैं, सात द्वीप, और फिर उसके बाद में सातवां समुद्र, चारों तरफ दिखाई दे रहा है आपको, तो सात द्वीप और सात समुद्रों के बाद ये आठवां द्वीप है, और ये जो आठवां द्वीप दिखाई दे रहा है ये समुद्र के बाद यहां से लेकर यहां तक चारों तरफ कहीं भी यदि आप इसे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा द्वीप 163,84,00,000 योजन का है। अच्छा, कैसे हो गया 163,84,00,000 योजन का, मैं उसकी पूरी कैलकुलेशन आपके सामने बतला सकता हूं, लेकिन उस पूरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लग जाएगा, मैं ज्यादा डिटेल नहीं करते हुए संक्षेप में बात को कहते हुए आगे बढ़ता हूं जिससे विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट हो जावे। देखिए, सेंटर में है एक जम्बू नाम का द्वीप, जिस द्वीप में हम लोग रहते हैं। आप जानते हैं जम्बू द्वीप के बारे में कुछ, क्या जम्बू द्वीप के बारे में क्या जानते हैं आप? नाम तो जानते होंगे कम से कम इस जम्बू द्वीप का, नहीं जानते? अरे रोजाना तो महाअर्घ में बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे, तो हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में रहते हैं। कल थोड़ी चर्चा कर लूंगा जम्बू द्वीप के बारे में, क्योंकि कल पंचमेरु जिनालयों की वंदना के लिए ले चलना है आप लोगों को। तो हम कहां चल रहे हैं अभी, अभी कौन सी जगह पर है? बोले जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का, उसको चारों तरफ से घेरे हुए जो लवण समुद्र है वो डबल है, फिर लवण समुद्र के आगे धातकी खंड नाम का द्वीप डबल है, ऐसे दुगने 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 करते हुए सात द्वीप और सात समुद्र, सात द्वीप हैं और सात समुद्र हैं, 14 हो गए, और 15वें नंबर पर आएगा नंदीश्वर द्वीप। बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं, अपने आप करके देख लेना, एक के बाद में दो, दो के बाद में चार, चार के बाद में आठ, ऐसे दुगने दुगने करते हुए 15वें नंबर पर आएगा नंदीश्वर द्वीप।
डबल डबल कर रहे हैं ना, डबल डबल जम्बूदीप से दुगना लवण समुद्र। भाई ये सर्वज्ञ कथित जिनागम के आलोक में चर्चा कर रहे हैं अपन। अभी दुनिया की दृष्टि से मत देखना, दुनिया वाले क्या पकड़ पाएंगे वैज्ञानिक, वो तो जम्बूदीप को भी पूरा नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में आगमों के अंदर जो बात आई है उसे बेस बना करके मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। 15 बार डबल करेंगे आप तो 15वीं बार जो आएगा वो होगा 163,84,00,000 योजन का नंदीश्वर द्वीप। इस नंदीश्वर द्वीप में 4 दिशाएं हो गई, हम रहते हैं बीच में और नंदीश्वर द्वीप है हमारे से चारों तरफ। कभी कभी लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, पूछते हैं कि साहब कौन सी दिशा शुभ है और कौन सी अशुभ है। यद्यपि हमारे यहाँ जिनागम में पूर्व और उत्तर दिशा का विशेष महत्व कहा है, क्योंकि हम जहाँ है यहाँ से उत्तर में विदेह क्षेत्र है नॉर्थ में, और पूर्व में सूर्य उदित होता है, सूर्य में अकृत्रिम चैत्यालय है, मानो प्रतिदिन प्रातः काल अकृत्रिम चैत्यालय का उदय होता हो, इसलिए 2 दिशाओं का विशेष महत्व कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नंदीश्वर द्वीप चारों दिशाओं में है, बोलो, क्योंकि हम हैं बीच में जम्बू द्वीप में और नंदीश्वर द्वीप चारों दिशाओं में है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कई बार त्यागी व्रतियों को, सन्यासियों को सामायिक की विधि, जब सामायिक की विधि बतलाते हैं तो उस विधि में क्या बतलाते हैं, चारों दिशाओं में मुंह करके अष्टांग नमस्कार करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, माने चारों दिशाओं में अकृत्रिम चैत्यालय मौजूद है। हम जहां बैठे हैं वहां से बात कर रहे हैं हम नंदीश्वर द्वीप के संदर्भ में। देखिए जरा इस नंदीश्वर द्वीप में 163,84,00,000 योजन का विस्तार हो गया और चारों दिशाओं में है जिन मंदिर, 13-13 हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं सिर्फ इस पूरे में से एक कॉर्नर की तरफ आपको ले चलना चाह रहा हूं, एक दिशा की तरफ आपको ले चलना चाह रहा हूं। एक दिशा समझ लेंगे तो आगे वाला आपको समझ में आ जाएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा सा विषय। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक पार्ट दिखाता हूं आपको थोड़ा पास में से, ये देखिए दिख रहा है कुछ आपको, ये सब 8वें नंबर का द्वीप है, जम्बू द्वीप में नहीं आएगा, जम्बू द्वीप पहले नंबर का द्वीप है, फिर ढाई द्वीप जो है दूसरा द्वीप, फिर आधा द्वीप, ढाई हो गया, फिर ढाई के बाहर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हम 8वें द्वीप की बात कर रहे हैं, नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। देखिए आप इनमें क्या क्या दिख रहा है हमारे को, सेंटर में दिख रहा है ब्लैक कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अंजनगिरी, काले रंग का है ये। अभी अंजनगिरी समझाऊंगा आपको, काले रंग का एक पर्वत है सेंटर में, कहां की बात कर रहे हैं, ये गोले में इधर हो गए पूरे के पूरे द्वीप समुद्र, टच करके जूम करके आपको यहां दिखाया है, बीच में अंजनगिरी नाम का पर्वत। इस अंजनगिरी के चारों तरफ चारों दिशाओं में 4 दिखाई दे रही है बावड़ियां, वॉटर कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये है 4 बावड़ियां। इन बावड़ियों के अंदर दिखाई दे रहे हैं दूसरा पर्वत जिसका नाम है दधिमुख, ये दधिमुख नाम के पर्वत है, और तीसरा है ये रेड कलर के पर्वत, इनका नाम क्या है, रतिकर नाम के पर्वत। बस 3 शब्द याद रखने हैं, अभी पूरा दिखाऊंगा आपको, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखाई देगा, आपके बात विषय वस्तु समझ में भी आएगी। देखिए हम क्या कह रहे हैं आपको, 3 बातें कौन कौन सी हो गई, सबसे पहले अंजनगिरी ब्लैक कलर के, बराबर अंजनगिरी देख ले, अंजनगिरी समझते हैं, दूसरा क्या समझेंगे, दधिमुख, और तीसरा समझेंगे रतिकर, इन तीनों को अपन समझेंगे हैं। देखिए अंजनगिरी देखो, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको अंजनगिरी, कैसा है अंजनगिरी नाम का पर्वत, अंजनगिरी पर्वत कितने हैं, तो देखिए प्रत्येक दिशा में है एक एक, चारों दिशाओं के अंदर एक एक अंजनगिरी है, प्रत्येक दिशा में एक 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 अंजनगिरी नाम का पर्वत। तो इस तरह से नंदीश्वर द्वीप में कुल कितने हो जाएंगे, तो द्वीप में
कुल चार पर्वत होंगे जिनका नाम है अंजनगिरी। बराबर कलर इनका जो होगा वो अभी बाद में बतलाएंगे। ये अंजनगिरी नाम के जो पर्वत हैं इनकी हाइट कितनी है तो कहा है 84,000 योजन। ये महायोजन की चर्चा है भाई साहब, 84,000 योजन ये बड़ा योजन है, ये 2000 कोस वाला योजन है, लगभग 6,500 किलोमीटर वाला एक योजन है, 6,000 किलोमीटर मोटा मोटा रफली कैलकुलेशन के हिसाब से समझिए आप, 84,000 योजन की हाइट है अंजनगिरी नाम के पर्वत की, और 1,000 योजन है इसकी नींव जड़। ये अंजनगिरी नाम के पर्वत 1,000 योजन नीचे जड़, क्योंकि टिकेगा कैसे वो पर्वत, हवाओं से उड़ जाएगा, यद्यपि प्रलय वगैरह नहीं आती है वहां पर कुछ भी, लेकिन 1,000 योजन की गहराई है। और कलर है इनका कृष्ण वर्ण, अंजन माने होता है काजल, अंजन लगाते ना अंजन, अंजन माने काजल, तो इनका नाम क्या है अंजनगिरी, इस पर्वत का नाम है अंजनगिरी। क्यों अंजनगिरी है, क्योंकि ब्लैक कलर के हैं। और भी बहुत सुंदर रचना है इनकी, ढोल के समान गोल हैं, नीचे से ऊपर तक सुंदर हैं। Do you know that there are natural ways to overcome ADHD, autism and other behavioral challenges that माने 84,000 योजन तो हाइट है और 84,000 योजन ही इसका विस्तार है, नीचे भी जो ये दिखते ऐसे है, ये देखिए दिखाई दे रहा है अंजनगिरी कैसे दिखते हैं, 1,000 योजन की तो है नींव, नीचे 1,000 योजन, 84,000 योजन की है हाइट और 84,000 योजन है इसकी चौड़ाई, ऐसे अंजनगिरी नाम के पर्वत कितने हो गए, ये चार अंजनगिरी नाम के पर्वत हैं। आगे बढ़े, अब इन अंजनगिरी पर्वत के ही चारों तरफ ददिमुख नाम के पर्वत हैं, ददिमुख नाम के पर्वत। बोले कौन सी जगह पर हैं ये ददिमुख नाम के पर्वत, तो हम आपको दिखाते हैं, ये ददिमुख नाम के पर्वत हैं, उसको समझने के लिए अंजनगिरी के चारों तरफ 1,00,000 योजन की बावड़ियां है। अंजनगिरी नाम का पर्वत चारों दिशाओं में, एक दिशा की बात करो अभी तो एक दिशा में अंजनगिरी है, बीच में चारों तरफ हैं चार बावड़ियां। बावड़ियां किसे कहते हैं, वापिकाएं, निर्मल जल से भरी हुई है, पवित्र पानी वहां पर भरा हुआ है, जलचर जीव उसमें नहीं है, त्रस जीव उस पानी में नहीं है, बिल्कुल एकेंद्री जीव तो है ही, एकेंद्री जीव का तो सद्भाव है। उस नंदीश्वर द्वीप में त्रियंच गति के जीव हैं, जुगलियां हैं त्रियंच गति के जीव, वहां भोग भूमि है उस नंदीश्वर द्वीप में, देव लोग वहां जाते हैं तो देव गति के जीव और त्रियंच गति के जीवों का सद्भाव इस नंदीश्वर द्वीप में है। देखें 1,00,000 योजन की वापिकाएं बावड़ियां, और उन बावड़ियों के चारों तरफ हैं चार वन, चारों तरफ चार वन हो गए। इन चारों वनों के भी नाम शास्त्रों में मिलते हैं, अशोक वन, सप्तच्छद वन, चंपक वन और आम्र वन, इन चारों वनों के अलग अलग प्रकार के नाम हैं। 1,00,000 योजन की तो ये बावड़ी, 1,00,000 योजन लंबी और 1,00,000 योजन चौड़ी, 1,000 योजन की डेप्थ है इसकी, 1,000 योजन की गहराई है, और चारों तरफ है इसमें वन बने हुए हैं, चारों दिशाओं में वन है, और बीच में इस बावड़ी के बीच में एक ददिमुख नाम का पर्वत है, दिख रहा है आपको बावड़ी, बीच में बावड़ी दिखा दी, यहां बावड़ी के सेंटर में दिखाई दे रहा है एक पर्वत, इस पर्वत का नाम है दधिमुख। दधि माने होता है दही, दही जैसे कलर का होने की वजह से यह है दधिमुख कहलाता है, इसका वर्ण है सफेद,
दधिमुख पर्वतों का, और इनकी ऊंचाई है 10,000 योजन की। और ये जो पर्वत है, ये पर्वत भी दधिमुख नाम के पर्वत, ये पर्वत भी ढोल के समान गोल है और नीचे से ऊपर तक एक समान विस्तार वाले हैं। भाई हमने 3 नाम याद करने के लिए कही थी आपको, एक अंजनगिरी, अंजनगिरी चारों दिशाओं में, बराबर। अब बीच में आ गया अंजनगिरी और चारों तरफ हो गई 4 बावड़ियां, फिर बीच में बावड़ियों के बीच में दधिमुख नाम का पर्वत। अब कह रहे हैं रतिकर नाम के पर्वतों के बारे में, ये रतिकर पर्वत कहाँ है? देखिए ये जो बावड़ियां कही है ना इस तरह की, इन बावड़ियों के कोनों में है रतिकर नाम के पर्वत। देखिए दिखाते हैं आपको तीसरे प्रकार के पर्वत, अभी स्पष्ट होगी बात, पूजन की लाइनों के आधार पर भी आपको बतलाऊंगा, सारी विषय वस्तु आपको बिल्कुल पानी की तरह स्पष्ट हो जाएगी, हाथ पे रखे आंवले की तरह। रतिकर पर्वत, ये रतिकर पर्वत, अभी तो ये आपने समझ ही लिया था, अंजनगिरी के चारों तरफ बावड़ियां हैं, अरे बावड़ियों के भी नाम सबके अलग अलग हैं। अभी पूर्व दिशा की तरफ वाली बावड़ियों की यदि अपन बात करें तो अंजनगिरी के चारों तरफ 4 बावड़ियां हैं ना पूर्व दिशा में, एक दिशा में, तो उन सबके नाम है नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंदी घोषा, ये पूर्व दिशा की तरफ जो अंजनगिरी है उसके चारों तरफ की बावड़ियों के नाम है। आगे बढ़े, पहले एक बार रचना धीरे धीरे से समझते रहें आप। वन के 2 कोनों के ऊपर पर्वत है ये रतिकर, दधिमुख पर्वत चारों तरफ है वन, और वन के 2 कोनों के ऊपर है रतिकर पर्वत। कोई आचार्य चारों तरफ भी कहते हैं लेकिन जिनालय 2 ही पर्वतों के ऊपर कहते हैं। एक दिशा में कितने हो जाएंगे बोलो, रतिकर पर्वत एक दिशा में कितने होंगे? 2। भाई हम लोग हैं जम्बू द्वीप में, नंदीश्वर द्वीप की पूर्व में जाकर के बात करूं तो एक अंजनगिरी है वहां, एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर, 8 रतिकर एक दिशा में है। और हम अब बात कर रहे हैं आपसे पूरे नंदीश्वर द्वीप में कितने हो जाएंगे, एक दिशा में कितने होंगे? 8 हो जाएंगे, बराबर। और पूरे द्वीप में कितने होंगे? पूरब दिशा में यदि 8 हैं तो चारों दिशाओं के मिलाकर के कुल 32 रतिकर पर्वत होंगे। रतिकर पर्वतों की बात कर रहा हूं, इन रतिकर पर्वतों का कलर कौन सा है? तो कहेंगे इन रतिकर पर्वतों का रेड कलर है, तपाए हुए गोल्ड की तरह है इनका कलर है, गोल्ड है, प्योर गोल्ड, ऐसा तपाया हुआ रेड रेड जैसा कलर दिखाई दे रहा है। ये लाल रंग के हैं ये रतिकर नाम के पर्वत, और इनकी ऊंचाई कितनी है? तो कहा है 1,000 योजन की ऊंचाई है, हाइट 1,000 योजन की हो गई है। और यदि हम आगे बढ़ करके देखें तो इनका जो आकार है वो आकार है ढोल के समान गोल। तो 3 तरह के पर्वतों की चर्चा हो गई यहां नंदीश्वर द्वीप में, एक हो गए अंजनगिरी, दूसरे हो गए दधिमुख, और तीसरे हो गए रतिकर। जरा इन तीनों को एक दिशा में हम आपको एट ए ग्लांस दिखा देते हैं, आप देखिए जरा क्या स्थिति बनती है प्रत्येक दिशा में। So you want to know where to invest $1,000 right now? Well, forget about stocks, real estate, or cryptocurrency. There is... कुछ ख्याल में आ रही है कि आपको बात दिखाई दे रहा है? क्या कह रहे हैं? प्रत्येक दिशा में नंदीश्वर द्वीप की 4 दिशाएं हैं, प्रत्येक दिशा में एक अंजनगिरी है, एक अंजनगिरी है प्रत्येक दिशा में, 4 बावड़ियां हैं, 1, 2, 3 और 4। अभी पूर्व दिशा की तरफ जो बावड़ियां हैं उनके नाम हमने बतलाए, ये पूर्व दिशा की चर्चा कर रहे हैं अपन, एक दिशा की। इसमें जो बावड़ियां हैं नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा और नंदी घोषा, जब इन्हीं बावड़ियों की चर्चा हम दक्षिण दिशा वालों की तरफ करेंगे, नीचे दक्षिण दिशा की तरफ नंदीश्वर द्वीप में जब 4 बावड़ियां होंगी तो उनके 4 के नाम अलग हैं। उन 4 बावड़ियों के नाम होंगे अर्जा, विरजा, अशोका और वीतशोका।
जब हम चले जाएंगे इधर पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा के जनालयों की चर्चा करेंगे, तो वहां भी एक अंजनगिरी और चार बावड़ियां दधिमुख रतिकर मिलेंगे पश्चिम दिशा में भी, लेकिन वहां बावड़ियों के नाम अलग होंगे। उनके नाम है विजया, वैजयंता, जयंता और अपराजिता। इसी तरह से नंदीश्वर द्वीप के, जैसे यहां दिख रहा है ना, ऐसे ही नॉर्थ में भी नंदीश्वर द्वीप के जनालय है। क्या नॉर्थ दिशा में भी नंदीश्वर द्वीप के तेरे होंगे, तो वहां भी चार बावड़ियां हैं नॉर्थ की साइड भी, उनके चारों के नाम अलग अलग हैं। उनके चारों के नाम है रम्या, रमणीया, सुभद्रा और सर्वतोभद्रा। सबके नाम अलग अलग हैं, चार वनों के नाम हमने आपको बतला दिए। ये एटेग्राम्स एक दिशा को देख लीजिए, जैसा एक दिशा में दिखाई दे रहा है वैसा ही चारों दिशाओं में दिखाई देगा। देखिए, एक अंजनगिरी हो गया, चारों तरफ चार बावड़ियां हो गई, ठीक है, बावड़ियों के अंदर दधिमुख नाम के पर्वत हो गए, बराबर। अब दधिमुख पर्वतों के अलावा बावड़ियों के चारों तरफ वन है और वन के कोनों में रतिकर नाम के पर्वत है। अब जरा इधर पढ़ लो आप क्या क्या लिखा है हमने। एक अंजनगिरी, चार वापियां, वापियां माने बावड़ियां, 16 है वन क्योंकि बावड़ी के चारों तरफ है, चार 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 और चार 16 वन हो गए, चार दधिमुख पर्वत हो गए बावड़ियों के बीच में और 32 हो गए रतिकर पर्वत। रतिकर पर 16 वन, चार दधिमुख पर्वत, बराबर। और ये आएंगे, ये गलत लिखने में आ गया है, 8 हो गए, 8 रतिकर पर्वत, अशुद्ध लिख गया है, 8 रतिकर पर्वत। तो एक अंजनगिरी, चार दधिमुख और 8 रतिकर, क्या, तो 1, 4 और 8 और कुल हो गए 13 जनालय, 13 पर्वत हो गए। और उन 13 पर्वतों के ऊपर, ये सुधार लेना लिखते समय, सही लिखना यहां पर 32 की जगह 8 रतिकर पर्वत, क्योंकि एक दिशा की चर्चा चल रही है ना, यहां एक दिशा की बात कर रहे हैं। तो 13 पर्वत और 13 पर्वतों के ऊपर 13 जिन मंदिर, बराबर। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये रचना समझ लेने के बाद नंदीश्वर द्वीप पूजन के आधार पर आप लोगों को विषय वस्तु फटाफट स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, ये लाइनें सबने पढ़ी है क्या आपने? कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जाते हैं हम पूजे है ठाही, हम पूजे है ठाई। कार्तिक में, फागुन में, आषाढ़ में, 3 महीने, और इन तीनों महीनों में अंत के 8 दिनों में, अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर, नंदीश्वर में सुर जाते हैं, ये देव लोग नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। हम यहीं बैठ करके पूजन कर रहे हैं, ये देव लोग जब नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं और अपने विमानों पर बैठ करके जाते हैं, हाथी पर बैठ करके जाते हैं, कोई घोड़े पर बैठ करके जाता है, कोई अपने सिंह विमान के ऊपर बैठ करके जाता है, कोई अपने गरुड़ विमान पर बैठ करके जाता है, कोई अपने मयूर जैसे विमान के ऊपर बैठ करके जाता है। अलग अलग तरह के विमान की आकृतियां, अलग अलग प्रकार के देवों की गई गई है, वे लोग सब अलग अलग प्रकार से वहां नंदीश्वर द्वीप में जाते रहते हैं अकृत्रिम चैतन्यों की वंदना करने के लिए। और पूरा का पूरा 8 याम वहां जाकर के पूजन भक्ति और आराधना करते हैं। देखिए, पूजन की पंक्तियों के आधार पर फटाफट हम इनका थोड़ा थोड़ा सा अर्थ देखते हैं। कुछ और विशेष बातें आपको इन जनालयों के संदर्भ में कहनी है, ये जनालय कैसे हैं और कैसे पावरफुल हैं, देखते ही सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसी बातें कही है। चलिए जयमाला की और पंक्तियां देखते हैं, दिखाई दे रहा है सबको, लाइनें पढ़ने में आ रही है। 163 कोड़ियों जन महा, 184 एक दिशी में लहा, अर्थ कर चुका हूं, 163,84,00,000 योजन एक दिशा में विस्तार कहा गया है।
आठवो दीप नंदीश्वरम भास्वरम, आठवां दीप है नंदीश्वर उसका नाम है, सुशोभित हो रहा है, भवन भवन बावन है और प्रतिमाओं को नमस्कार करता हूँ जो सुख कर्म सुख करने वाली है। बावन भवनों में स्थित भवन बावन कितनी प्रतिमाएं हैं नंदीश्वर दीप में? 5,616 प्रतिमाएं हैं, 52 जिनालय हैं, 5,616 प्रतिमाएं हैं। क्या सबको मैं वंदन करता हूं, भाव पूर्वक वंदन करता हूं। अब आगे बतला रहे, चार दिशी चार अंजन गिरी राज ही, चारों दिशाओं में चार अंजन गिरी है, एक एक दिशा में एक एक और चारों दिशाओं में चार अंजन गिरी हो गई। उसका विस्तार कितना है? 87,484 एक दिशी चाजे ही, 84,000 योजन एक दिशा में विस्तार कहा गया है। गोल के समान है, गोल है और ऊपर तक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कौन से अंजन गिरी की बात कर रहे हैं? ऊपर तक सुंदर दिखाई देते हैं, कह रहे एक एक चार दिशी चार शुभ बावरी, अंजन गिरी के एक एक के चारों दिशाओं में चार शुभ बावड़ियां हैं। एक एक अंजन गिरी की चारों दिशाओं में चार, माने एक की चार दिशा में चार, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 16। दिस इज द इमरजेंसी स्लीपिंग बैग, I keep them in my glove compartment for situations just like this. This little bag protects me from the number one killer in a crisis, which is exposure to the elements. अरे आगे कहेंगे, एक एक लाख जो जन अमल निर्मल जलचर जीवों से रहित पवित्र जल से भरी हुई है, पवित्र जल से भरी हुई है। क्या नंदीश्वर दीप में जाते हैं लोग? देखिए भाई, ये 8 दिन तो मुख्य हैं देवों के वहां जाने के लिए, बाकी वैसे भी जाते। मैं आपसे पूछता हूं, अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई जून चल रहा है। इस समय लोग शिखर जी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? किन्हीं नहीं साहब, इस समय तो शिखर जी नहीं जाते। जा करके देखो, 150 लोग तो आपको मिल ही जाएंगे शिखर जी में। यद्यपि शिखर जी जाने का मौसम नवंबर अक्टूबर के आसपास, नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास का मौसम होता है, लेकिन वैसे भी तो जाते हैं। तो अष्टानिका के जो 8 दिन के प्रसंग हैं, वो तो सीजन के टाइम है, लेकिन ये एक एक दिशा में जाने वाले जो देव हैं, वो सब पर्व के दिनों में विशेष रूप से जाते हैं। चलिए, चार दिशा में चार बावड़ियां हो गई, एक एक लाख योजन निर्मल जल से भरी हुई है, चारों दिशाओं में उनके चार वन एक एक लाख योजन विस्तार वाले हैं। वन बावड़ी की साइज के बराबर, जितना बावड़ी उतना वन, और चौड़ाई उनकी है 50,000 योजन वन की। देखें आगे, बावड़ियां कितनी हो गई? 16 है। एक अंजन गिरी के चार तरफ चार थी, तो टोटल कितनी हो गई? 16 है। सोलवा पेन मधी सोल गिरी दधी मुखम, 16 दधिमुख पर्वत हो गए। एक एक हजार सहस 10 महायोजन, 10,000 योजन की, और देखते ही मानो सुख उत्पन्न हो जाता हो। मैं छंद नहीं पढ़ रहा हूं, सीधा अर्थ बतलाता जा रहा हूं, छंद आपके सामने लिखा हुआ है। 10,000 महायोजन, बीच में किसी ने प्रश्न किया मेरे से कि साहब छोटा योजन है कि महायोजन है? महायोजन है भाई साहब, देखते ही मानो सुख की प्राप्ति होती हो। और बावड़ी के दो कोनों में दो रतिकर नाम के पर्वत हैं, पूजा की लाइनें हैं। बावड़ी के दो कोनों में दो रतिकर नाम के पर्वत हैं, और क्या हुआ उन रतिकर पर्वत दो कितने हो गए? एक दिशा में 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6,32। रतिकर पर्वत के बारे में कह रहे, 32 पर्वत हो गए रतिकर, 1,000 योजन के कहे गए हैं, 1,000 योजन के 32 पर्वत रतिकर पर्वत कहे गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बंधुओं? जूम पर लाइव देखने वालों को भी समझ में आ रहा होगा, हैं? क्लियरिटी दोनों में दिखाई दे रही है। 32 पर्वत, 1,000 योजन वाले, 4 और 16 मिलकर
चार और सोलह मिल गए इन 32 में, चार तो थे अंजन गिरी, सोलह थे दधिमुख और 32 है रतिकर, क्या चार सोलह है इन 32 में मिलाना है, मिले इन 32 में चार और सोलह अंजन गिरी और दधिमुख मिलाकर ये रतिकर में मिल जाने पर सर्व 52 लहे, टोटल 52 जनालय हो गए। एक योजन 2000 कोस का, कितने बड़े बड़े भाई साहब, अभी अभी तो ये पर्वतों की बात कही है, अभी मंदिर भी समझना, जिनारे भी समझना, एक एक के शिखर पर, शीश पर, माथे पर एक एक जिन मंदिर है, एक एक के माथे पर एक एक जिन मंदिर है, और उन प्रत्येक जिन मंदिरों में अरे 108 रत्नमयी प्रतिमाएं हैं, गजब हो गया भाई साहब, रत्नों की प्रतिमाएं हैं, और उन प्रतिमाओं का वर्णन करते हुए ध्यानत राय जी क्या कहते हैं भाई साहब, देव और देवियों के सभी के नयनों और मन को मोह लेने वाले हैं, क्या गजब का स्वरूप है उन प्रतिमाओं का, वे जो 108 प्रतिमाएं एक एक जिन मंदिर में, कितनी विशाल प्रतिमाएं हैं वे, अभी देखिए उसकी चर्चा और आगे करते हैं। 500 धनुष की है वे प्रतिमाएं, 500 धनुष की है, पद्मासन प्रतिमाएं हैं, ऐसे हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई प्रतिमाएं, 108 प्रतिमाएं, 500 धनुष की हाइट, 500 धनुष की पद्मासन बैठी हुई, अरे 500 धनुष का यदि मैं कैलकुलेशन करके बतलाऊं तो होता है 820 मीटर, क्या 820 मीटर होता है, इसका मतलब लगभग 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर के लगभग की हाइट वाली एक प्रतिमा है, गर्भगृह बने हुए हैं, एक एक प्रतिमा बहुत बहुत विशाल, एक एक किलोमीटर के अंदर एक एक प्रतिमा होगी, फिर गर्भगृह, इसका मतलब एक एक जिन मंदिर कितना कितना विशाल होगा, आप आखिर कल्पना तो करके देखिए उसे। 500 धनुष की पद्मासन, और देखो जरा क्या कहते हैं उन प्रतिमाओं का कुछ विशेष स्वरूप, इन्होंने ध्यानत राय जी ने लिखा है अपनी पूजन में, लाल तो नख दिखाई देते हैं और मुख दिखाई देता है, मुख माने होता है होंठ, लाल दिख रहे हैं मेरे होंठ थोड़े से लालिमा लिए हुए, नाखूनों में जो थोड़ा सा लालपन होता है, अरे कलर नहीं होता मालूम है आपको, प्रतिमाओं के ऊपर कलर नहीं होता है, ये नेचुरल कलर है, ऑटोमेटिक है, इसी प्रकार का अपने आप ऐसा ही स्वरूप है, लाल नख मुख और नयन कैसे, नयन माने आंखें जैसी हमारी दिखाई दे रही है ना, ऐसी झलक जैसी दिखती है, श्याम और श्वेत, काली और सफेद, ऐसी आंखें दिखाई देती है, वो श्याम रंग की भौएं, ये भौएं श्याम माने काले रंग की, और सर पर मानो काला काला सा ऐसा कलर सा, बिल्कुल लाइट कलर, मतलब कलरफुल नहीं है लेकिन ऐसा लगता है मानो बोल रही हो, मानो प्रतिमाएं साक्षात विराजमान, साक्षात कोई तीर्थंकर परमात्मा बैठे हुए हो, अनंत परमात्मा बैठे हुए हो, ऐसा फील होता है, वचन बोलती हुई मानो ऐसा लगती है हंस रही हो और कलुषता को हर रही हो, हमारे हृदय की अंतर की सारी कलुषता धुल जावे, ऐसी ये प्रतिमाएं हैं, ऐसे 52 प्रतिमाएं, 52 भवन और 52 प्रतिमाओं को हम भावपूर्वक वंदन करते हैं, करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश भी, द्युति और तेज, कोटि माने करोड़, शशि माने चंद्रमा, भान माने सूर्य, द्युति माने चमक, तेज छिप जाए ऐसा प्रकाश है, ये काल्पनिक बात नहीं है, अभी तो मुझे सीमित समय है इसलिए आपको संक्षेप में कहता हूं, करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में करोड़ों सूर्य चंद्रमा है, कभी सूर्य चंद्रमा की चर्चा करेंगे तो डिटेल में आपको बात बतलाएंगे, उनकी चमक भी फीकी पड़ जाती है, तो साहब कोई व्यक्ति ये कहे तो देखते कैसे होंगे उनको, अरे भाई देखने पर तो शांत परिणाम होते हैं, अत्यंत वैराग्य परिणाम ठहराते हैं, जब उन प्रतिमाओं को जाकर के देखते हैं तो कैसा महसूस होता है, देवगति के जीव किस प्रकार की फीलिंग करते हैं, वयन नहीं कहे, मानो वो प्रतिमाएं बोल नहीं रही, कितने सुंदर शब्द दिए, वयन नहीं कहे,
ये प्रतिमाएं बोल नहीं रही है, लकी हो तो सम्यक धर्म, लेकिन देखते ही मानो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। क्या गजब स्वरूप भैया, उन प्रतिमाओं को देखते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। ये कैसे होता होगा? प्रतिमा दर्शन करके निज दर्शन हो जाते हैं क्या? ये नंदीश्वर दीप की पूजन की जयमाला पढ़ रहा हूं, पंचमेरु की पूजन की चर्चा कल करूंगा। देखिए, बोलती नहीं है, देखते ही मानो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे। और फिर क्या कहते हैं, वयन नहीं कहे लखी हो तो सम्यक धर्म, भवन भावन प्रतिमा नमो सुख करम। ओहो, ऐसे भावन भमरों की सर्व प्रतिमाओं को हम भाव पूर्वक यहां से वंदन करते हैं। चारों दिशाओं में जिनालय हैं, चार प्रकार के देव हैं। एक है भवनवासी, एक है व्यंतर, एक है ज्योतिष्क, चार प्रकार के, और एक है वैमानिक। तो नंदीश्वर दीप में लगातार चलता है भाई साहब पूजन भक्ति का कार्यक्रम, नॉन स्टॉप चलता है भाई साहब। वहां नंदीश्वर दीप में दिन रात का विभाजन नहीं होता है, अंधेरा हो जाए, रात्रि हो जाए, रात को भी करते होंगे क्या भाई साहब पूजन भक्त? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि दिन रात है ही नहीं वहां, दिन और रात का विभाजन तो अपने यहां भरत क्षेत्र की अपेक्षा से है। गिनती, काउंटिंग, कैलकुलेशन भरत ऐरावत क्षेत्रों की अपेक्षा से, विदेह क्षेत्र में भी दिन रात होते हैं, वहां नहीं होते। नंदीश्वर दीप में दिन रात का विभाजन नहीं होता है। आठों याम दो दो पहर के लिए, माने छह छह घंटे के लिए। जैसे देखो, आपको बतलाऊं मैं नंदीश्वर दीप पूरा चित्र दिखाता हूं आपको। पहले पूरा चित्र देखिए, ये देखिए, पहले ये छंद बाद में पढ़ेंगे, अंतिम छंद है। तो ये नंदीश्वर दीप की पूरी रचना दिख रही है। बीच में सात द्वीप और सात समुद्र है, पंचमेरु है, कल करेंगे चर्चा। एक दिशा में 13 जिनालय, पूर्व में 13 जिनालय, दक्षिण में 13 जिनालय, पश्चिम में और 13 जिनालय उत्तर में, 52 हो गए। अब इन 13 जिनालयों की वंदना करते हैं। जब अष्टानी का पर्व प्रारंभ होता है तो भवन ये वैमानिक देव पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में 6 घंटे के लिए वैमानिक देव रहेंगे, और उसी समय 6 घंटे के लिए दक्षिण दिशा में भवनवासी देव होंगे। फिर पश्चिम दिशा के अंदर 6 घंटे के लिए व्यंतर देव होंगे, और उत्तर दिशा में होंगे ज्योतिष देव। चार प्रकार के देव हो गए, 6 घंटे तक भक्ति आराधना कर रहे हैं। 6 घंटे जैसे ही पूरे होते हैं, ये वैमानिक देव आ जाते हैं इधर, और यहां मौजूद जो भवनवासी हैं ये चले जाते हैं इधर, यहाँ जो व्यंतर थे ये चले जाते हैं यहाँ, और यहाँ जो ज्योतिष देव थे ये चले जाते हैं पूर्व दिशा में। तो 6 घंटे में दिशा चेंज हो गई, फिर 6 घंटे बाद में, माने दो पहर में दिशा चेंज हो गई, फिर दो पहर में दिशा चेंज हो गई। एक पहर होता है 3 घंटे का। हम लोग बोलते हैं ना, भाई साहब आपका प्रवचन कब है, बोले दो पहर में। दो पहर माने क्या होता है? 3 घंटे का एक पहर, फिर 3 घंटे का दूसरा पहर, माने सूर्योदय के बाद 6 घंटे निकल जाने के बाद दो पहर शुरू होती है। सूर्योदय यदि 6 बजे है तो दोपहर में 12 बजे बाद में दो पहर शुरू हो गई, दोपहर के बाद दोपहर का काल शुरू हो गया, तीसरा पहर शुरू हो जाता है। वो ख्याल में आ रही है बात? अब देखिए, देव लोग वहां जाकर के पूजन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन रत्नमयी अद्भुत प्रतिमाएं हैं। भाव पूर्वक जब देव लोग वहां वंदन करते हैं, अकृत्रिम प्रतिमाओं को देखकर उन्हें अपना इस देह देवालय में विराजमान अकृत्रिम भगवान आत्मा दिखाई देने लगता है। प्रतिमा बाहर में देख रहे हैं, प्रतिमा देखने से सम्यक दर्शन नहीं होता, प्रतिमा देखते देखते उसका अकृत्रिम पना दिखाई देने लगता है, और अकृत्रिम पना देखते हुए अकृत्रिम स्वभाव दिखाई देता है, और अपने अकृत्रिम स्वभाव को जैसे ही देखते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से बहुत संक्षेप में हमने नंदीश्वर दीप की रचना आपको बतलाई है। ध्यानत राय जी अंतिम छंद में कहते हैं, नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे। ये नंदीश्वर द्वीप की हमने जो थोड़ी बहुत चर्चा की है, प्रतिमाओं की जो थोड़ी बहुत महिमा बतलाई है, अभी प्रतिमाएं कैसी होती है, अभी उन प्रतिमाओं की रचना किस प्रकार की है, अभी उन प्रतिमाओं के दिखती किस प्रकार की है, चैत्यालय किस प्रकार के हैं, चैत्यालयों की लंबाई चौड़ाई साइज वगैरह किस प्रकार की है, कल कर लेंगे थोड़ी बहुत चर्चा। क्या जल्दी है? प्रति
प्रतिमा महिमा को कहे। और ध्यान राय जी अंत में ये कहते हैं, ध्यान लीनो नाम यही भगवती शिव सुख करे। ध्यान राय जी कहते हैं, मैंने यहाँ नाम मात्र लिया है और ये नंदीश्वर दीप के जिनालयों की भक्ति की मेरी ये भावना अवश्य ही शिव सुख प्रदान करेगी, अवश्य ही मुझे अल्पकाल में मुक्ति प्रदान करेगी। सच में इस अकृत्रिम जिनालयों के अकृत्रिम स्वरूप को जानकर हम सभी अपनी दृष्टि को अपने अकृत्रिम स्वभाव पर केंद्रित करें और अकृत्रिम स्वभाव का अवलंबन लेते हुए अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। रजनी भाई बहुत अद्भुत। We feel now what we are missing. त्रिपुरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, दिन को स्वरूप जान रागते भई जो वक्त लेना पछी नो अभी की तोते को उचारी है। બધાને જય જીનેન્દ્ર, જય જીનેન્દ્ર, રસિકભાઈ, જય જીનેન્દ્ર, જય કારા લેલો રસિકભાઈ, હા પેલા એક નાની જીનવાણી લઉં છું, હે જીનવાણી ભારતી तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा ग्रहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तहूं डोक। बोलो बोलो परम वितरागी देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। परम तारणहार अनंत 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 उपकारी श्री कान गुरु देव की जय हो। जय हो। सर्वे ज्ञानी भगवंतों की जय हो। जय हो। परम वितराग परम पवित्र सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। जय हो। ओके चलो